मांस बिचवाते भी हैं और मांस के खिलाफ भड़काते भी हैं, हिंदू मुस्लिम कराते भी हैं। हाँ। आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई देश मांस का सप्लायर है तो वह हाँ। भारत है। हाँ। उसमें यूपी है, गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक है, जितने भी स्टेट में इनकी सरकारें हैं और चाहे केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन मांस का निर्यात का सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो भारत है। आरएसएस और बीजेपी और ये पाखंडी जो लोग हैं, ये तो साले सब, ये तो सब लोग मांस खाने वाले लोग हैं, यही मांस बेचवाते हैं, मांस खाते हैं और यही लोग दंगा भी भरवाते हैं, हालात समाज में नफरत भी बांटते हैं, क्योंकि इनसे इनको राजनीतिक बेनिफिट है। देश हिंदू राष्ट्र की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र का एक सपना दिखाते हैं। अरे देश तो बढ़ना चाहिए विकास की तरफ, कि देश का विकास हो, रोजगार कितना हम बढ़ा रहे हैं, कितने लोग आज सड़क पे करोड़ों बच्चे बेरोजगार हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनके विषय में सरकार सोच रही है, नहीं सोच रही है। आज मान लीजिए कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा, प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री मौन नहीं है, प्रधानमंत्री तो उद्योगपतियों के हाथ के कठपुतली हैं, उनके पास अधिकार क्या है? इस दौर के 70 साल के शासनकाल के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री भारत को मिला, जो इनके कार्यकाल काले अक्षरों में अंकित होगा। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, पर आजादी से पहले सभी धर्म के लोग एक साथ रहते थे, लेकिन 7 साल में लग रहा है कि ये हिंदुस्तान जो है अब हिंदुस्तान नहीं रहा। यदि राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी कर रहे हैं, उनका उन योगदान का है, तो मंदिर बनने का आदेश मिल गया, उनको लूट का आदेश मिल गया। राम मंदिर ट्रस्ट की अगर ईमानदारी पूर्वक जांच किया करा दिया जाए तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही मिलेगा। आम आदमी चंदा करता है और भाजपा वाले लोग उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। उद्योग को उद्योग लगाया, उसको इन्होंने बेच के खजाना को अपना चला रहे हैं काम। ये जो है साहब एकदम बिल्कुल नालायक सरकार है। अगर सरकार ईमानदार होती तो रोजगार की व्यवस्था देती। देखिए, नफरत की खेती बीजेपी जब से सत्ता में वापस आई, इनका इतिहास ही रहा है नफरत की खेती का। ये हमेशा शुरू से ही राजनीति में, जब से भाजपा और आरएसएस या चाहे इनके इतिहास को उठा के देखें, इन लोगों ने नफरत की खेती किया और फूट डालो राज करो, इनका यही नीति है। आज नफरत की खेती से फायदा किसको है? बीजेपी को फायदा है। अभी आप महंगाई पे कहीं चर्चा नहीं देखते हैं, बेरोजगारी पे कहीं चर्चा सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। कांग्रेस कर तो रही, सर उतर रही सड़कों पर कांग्रेस। कांग्रेस तो आंदोलन शुरू से ही ये समाज को हर वर्ग को क्या सीरियस नहीं ले रही क्या जनता? कांग्रेस जनता को जो है अभी दिग्भ्रमित है, उसके पास जनता को जो है सो समझ के परे है। चूंकि यहाँ जो है हम दिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी में देश जो है सो उलझ गया है। और यही कारण है भाजपा को इससे बेनिफिट है। भाजपा जब चुनाव का टाइम आएगा, एक कहीं ना कहीं से कोई मुद्दा उठा देगा, जिसे गौ मास, इनका गौ मास अगर एजेंडा होता, गौ मास हत्या पर इनका प्रतिबंध लगाने की इच्छा शक्ति होती, तो क्या देश में कहीं भी कोई मांस बिकता? सभी राज्य में लमसम 20-22 स्टेट में इनकी सरकार है। तो ये बिचवा रहे हैं मांस, ये मांस बिचवाते भी हैं और मांस के खिलाफ भड़काते भी हैं, हिंदू मुस्लिम कराते भी हैं। आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई देश मांस का सप्लायर है तो वह भारत है। उसमें यूपी है, गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक है, जितने भी स्टेट में इनकी सरकारें हैं और चाहे केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन मांस का निर्यात का सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो भारत है। और यह कहते हैं कि कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी है, नवमी का दिन कौन मांस खाएगा, नहीं खाएगा। राम नवमी त्योहार है, नहीं खाना चाहिए मुसलमानों को, नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारा कहने के बाद जितने आरएसएस और बीजेपी और ये पाखंडी जो लोग हैं, ये तो सब लोग मांस खाने वाले लोग हैं, यही मांस बेचवाते हैं, मांस खाते हैं और यही लोग दंगा भी भरवाते हैं, हालात समाज में नफरत भी बांटते हैं, क्योंकि इनसे इनको राजनीतिक बेनिफिट है। सर, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है देश? देश हिंदू राष्ट्र की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र का एक सपना दिखाते हैं। अरे देश तो बढ़ना चाहिए विकास की तरफ, कि देश का विकास हो, रोजगार कितना हम बढ़ा रहे हैं, कितने लोग आज सड़क पे करोड़ों बच्चे बेरोजगार हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनके विषय में सरकार सोच रही है, नहीं सोच रही है। आज हम सुबह सुबह हमको ऑटो वाला मिला, बोला कि 70 रुपए का CNG हो गया। आप एक बात बताओ, 70 रुपए का CNG हो गया, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो 40 रुपए का CNG था, आज 70 रुपए का CNG हो गया 7 सालों में। 7 सालों में ये बत समझ के ये बताओ कि CNG जो इतना महंगा हो गया, तो इसका असर जो है किस पे पड़ेगा? आम आदमी पे ही पड़ेगा ना।
तो आज कोरोना काल में 2 साल से स्कूल सारे बंद पड़े हुए थे और सबको जो है 2 साल का फीस देना पड़ा। इसका असर किस हर आम आदमी पर है? सरकार की इच्छा शक्ति होती तो 2 साल के सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल का स्कूल फीस माफ कर देता, मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा देता। सरकार ये नहीं करने वाली है, सरकार तो सिर्फ कुछ चंद उद्योगपतियों की कठपुतली है। इस सरकार आर्थिक गुलाम बनाना चाह रहे हैं क्या? देश तो आर्थिक गुलामी की तरफ जा ही रहा है। आज देखिए कि कुछ चंद उद्योगपतियों के इशारे पे कठपुतली बनकर है, कठपुतली है सरकार। सरकार के पास कोई इच्छा शक्ति है? देश में हर वर्ग का शोषण हो रहा है। आज मान लीजिए कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा। प्रधानमंत्री मौन है? प्रधानमंत्री मौन नहीं है, प्रधानमंत्री तो उद्योगपतियों के हाथ के कठपुतली हैं, उनके पास अधिकार क्या है? मजबूत प्रधानमंत्री हैं सर। इस दौर के 70 साल के शासनकाल के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री भारत को मिला, जो इनके कार्यकाल काले अक्षरों में अंकित होगा। ऐसा घटिया प्रधानमंत्री देश को न कभी मिला था और न मिलेगा। भाजपा का यही प्रधानमंत्री इतना 4 सीट तक फिर पहुंचा देगा आने वाले समय में। यह जो है सर डंका बज रहा था, डंका नहीं बज रहा है, देश को ठगने का काम कर रहा है। उद्योगपतियों का सिर्फ इशारे पे काम, आज देख लीजिए हिंदू मुस्लिम करके आप कितना देश को ठगोगे। ये तो सिर्फ ठगने के काम चल रही है। आज अगर किसी का विकास हुआ है तो किसका विकास हुआ है? भाजपा के पार्टी की विकास हुई है और भाजपा के मंत्री और संसद और एमपी का विकास हुआ है। कहीं आम आदमी का कोई विकास दिखाई दे रहा है? नफरत के खिलाफ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? नफरत से तो प्रधानमंत्री समाज में नफरत फैलवाते हैं। उन्हीं के भाजपा के संसद हैं कि मंत्री हैं, सब दंगा भड़काते हैं, सब सर देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं। छूट दी गई है क्या? यही तो है कि फूट डालो राज करो। अंग्रेजों से सीखा ये तो, इनका तो इतिहास ही अंग्रेजों से मिला जुला हुआ है। तो पहले अंग्रेजों का मुखबिरी का काम करते थे, आज वही काम हिंदुस्तान में इनकी आजादी में कोई योगदान रहा भाजपा सरकार की? कोई आजादी में योगदान नहीं रहा। लेकिन क्या रहा? अंग्रेजों के लोग जासूस थे, इन्फॉर्मर थे, आज वही लोग सत्ता में है। तो ये लोग हिंदुस्तान का आवाम का भला कैसे सोच सकते हैं? ये कतई नहीं सोच सकते। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ और आजादी से पहले सभी धर्म के लोग एक साथ रहते थे, लेकिन 7 साल में लग रहा है कि ये हिंदुस्तान जो है अब हिंदुस्तान नहीं रहा। चुनाव आते सुनते आप जैसे देखिएगा तो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हो रहा है यूक्रेन में और उसके बीच, और सारे नेशनल चैनल पर देखिए तो यूक्रेन छाया हुआ है। कहीं बेरोजगारी छाया हुआ है? कोई पूरी पांच किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक कभी बेरोजगारी पर चर्चा किया? सर प्रधानमंत्री में इतना शक्ति है, चाहे तो यूक्रेन रशिया का युद्ध रोकवा सकते हैं। प्रधानमंत्री तो चाइना का बॉर्डर का समस्या तो समाधान कर ले। चाइना तो 60 किलोमीटर आपके अंदर घुस चुका है, तो वो अपना तो घर का पहले संभाले, बॉर्डर संभारे, वो क्या यूक्रेन में का मध्यस्थता करेगा? इतना चाइना को लाल आंखें दिखाते हैं सर, लाल झूला पे बैठ के झूला झूल रहे थे और चाइना जो है आपके अंदर 60 किलोमीटर घुस गया था। ये प्रधानमंत्री सिर्फ देश को गुमराह कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देश सब पहले लोग मानते थे ये प्रधानमंत्री जो है कभी भी इसका कोई विजन आंख मिला के बात करता है, मुड़ी गाड़ के भाषण देता है कि कभी विकास जो भी वादा किया था देश में जब सत्ता में था तो कहता है कि देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। राम मंदिर तो बनवा दिया सर, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर उनके कहने से नहीं बना, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता से बनी। इसमें जो मोदी जी और भाजपा का कोई योगदान नहीं रहा, इस देश के हर वर्ग का उसमें आस्था था कि उस आस्था का विजय हुआ और न्यायपालिका के आदेश से हुआ। इसमें कोई भाजपा सरकार के और मोदी जी के योगदान नहीं है। क्या भाजपा सरकार के तो लोग वही लोग हैं नू जो राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी कर रहे हैं, उनका उन योगदान कहा है? तो मंदिर बनने का आदेश मिल गया, उनको लूट का आदेश मिल गया। राम मंदिर ट्रस्ट की अगर ईमानदारी पूर्वक जांच करा दिया जाए तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही मिलेगा। आम आदमी चंदा करता है और भाजपा वाले लोग उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए खाने को लेकर के जो पाबंदी लगाई जा रही कि भाई मुर्गी का मांस को नहीं बिकेगा और ये बकरे का नहीं बिकेगा और बड़े का बीफ का भी नहीं मिलेगा, और साथ में देखा जाए तो पहनने को लेकर के भी हिजाब को लेकर लगातार विवाद, क्या ये तमाम चीजें अब ये सरकार तय करेगी या देखिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी? अधिकार नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अधिकार देता है खाने और पहनने का अधिकार, स्वयं आजादी है देश में, बोलने का आजादी है। इस पर कोई सरकार सिर्फ संविधान में है क्या? बिल्कुल एक कोई प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ संविधान में दिखाई नहीं दे रहा। एक बात बताइए, आज से पहले महाभारत काल का इतिहास उठा के देखिए, रामायण जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या पहले के राजा महाराजा जितने भी धार्मिक नहीं थे वह हिरण का शिकार करते थे? शिकार पर राजा जाते थे और मांस उस शिकार को क्या करते थे? उस मांस को भोजन करते थे?
हमारी इतिहास में भोजन जो है अपनी इच्छा के अनुकूल डिपेंड करता है, इस पर किसी का प्रतिबंध नहीं हो सकता। रही बात कि पर्व पाठ त्योहार जो जिसका है वो अपने सुविधा के अनुसार करेगा, उसमें सरकार का हस्तक्षेप की बात नहीं है। तो क्यों हो रहा, हो क्यों रहा है? सरकार सिर्फ यह एक जो है समाज में नफरत फैला रही है, क्योंकि उससे उसको बेनिफिट है। सारे कोई देश में कोई चीज विकास मत दीजिए, महंगाई चरम सीमा पर कर दीजिए, 1000 रुपए पेट्रोल कर दीजिए, दिक्कत नहीं होगी किसी को। दिक्कत नहीं होगी अगर हम धर्म के चश्मा सब देश के हर व्यक्ति को पहना देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, दंगा फसाद करा देंगे तो 1000 रुपए अभी सरकार कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपके यहाँ हिंदुस्तान की जो है पढ़े लिखों की संख्या कम है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है ये आज भी राम को भगवान मानते हैं, हर लोग भगवान मानता है। लेकिन आप नहीं मानते क्या? हम भी मानते हैं, सारे आस्ते लोग। लेकिन यह जो लोग जो राम को मानने वाले लोग हैं, ये राम के नाम पे ठगी करते हैं, किसी भगवान के सगे नहीं है। ये तो सिर्फ अपने पेट की पूजा के लिए किसी हद तक गिर सकती है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार के पास न कोई विजन है, न सरकार चलाने का अनुभव है। इनके पास सिर्फ एक ही अनुभव है कि समाज में फूट डालिए, शासन कीजिए। जो पूर्व की सरकारों ने संपत्ति अर्जित कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उद्योग को उद्योग लगाया उसको इन्होंने बेच के खजाना को अपना चला रहे हैं काम। ये जो है साहब एकदम बिल्कुल नालायक सरकार है। अगर सरकार ईमानदार होती तो रोजगार की व्यवस्था देती, क्या आवश्यकता था सर? पहले हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो रोजगार भी मिल जाएगा। अभी तो जो हिंदू राष्ट्र जो संभव हिंदू राष्ट्र के क्या ये महंगाई बढ़ा के आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा? मोदी जी महंगाई 200 रुपए पेट्रोल कर देंगे, 500 रुपए 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल पेट्रोल कर देंगे तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहला जो उन्होंने 2014 में आम आदमी से वादा किया था कि हम जो है महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, रोजगार हर एक साल 2 करोड़ व्यवस्था करेंगे, तो आज जो भी वादा किया ये सरकार पूरा किया ये नहीं किया। आज हम कहते हैं कि पाकिस्तान 376 हटा देने से कश्मीर में क्या वहाँ अपराध रुक गया? नहीं रुका। तो एक बात इतना सीधा समझ लीजिए कि यह सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है। यह सारा इसका सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है और यह सरकार जो है उद्योगपति चला रहे हैं। ये भाजपा सरकार जो है सिर्फ चंद उद्योगपतियों की हाथ की कठपुतली है और तलाक।